अफगानिस्तान च तालिबान का कब्जा हो चुका है। 15 अगस्त के दिन तालिबान के लड़ाके काबुल च दाखिल हुए ते राष्ट्रपति भवन ते कब्जा किया। इस तो पहला अफगानिस्तान का राष्ट्रपति अशरफ गानी अपने परिवार समेत मुल्क छड़ के जा चुका सी। अफगानिस्तान ते तालिबानी कब्जा होंदे ही तालिबान वालों ये ऐलान किया गया कि हुण फिर मुड़ के अफगानिस्तान च शरिया कानून लागू किया जाएगा ते हुण तालिबान प्रमुख मुला अब्दुल गानी ब्रादर अफगानिस्तान का राष्ट्रपति हो सकता है। कौन है मुला अब्दुल गानी ब्रादर जिसने 20 साल बाद फिर तो अफगानिस्तान च तालिबानी राज कायम किया। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो पंजाबी मूवीज़ अड्डा यूट्यूब चैनल ते मेरा नाम है गगनदीप। तो अज की इस वीडियो च तालिबानी प्रमुख ब्रादर के बारे ही थोड़े नाल जानकारी साझी करन जा रहे हैं। सो वधदे हुण अज की इस वीडियो वल। अब्दुल गानी ब्रादर का जन्म साल 1968 च उरुजगान के जिले देराओ च पेंदे वीटमाक पिंड च होया। ब्रादर ते मुहम्मद उमर जो कि तालिबान के शुरुआती प्रमुख रहे दोनों ही बचपन के दोस्त सी। ब्रादर 80 के दशक के दौरान अफगान मुजाहिदीन का हिस्सा भी रहा जिस च उसने रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1999 के दौरान रूस अफगानिस्तान तो पिछे हट गया पर रूस के पिछे हटन तो बाद अफगानिस्तान के लीडर आपस च ही लड़ पाए जिस तो बाद मुहम्मद उमर ते ब्रादर ने एक मदरसे की शुरुआत की। दोनों की खास दोस्ती रिश्तेदारी च उदो बदल गई जो ब्रादर की भैन नाल उमर का विआह हो गया। साल 1994 च चार जने ने मिल के तालिबान संगठन की शुरुआत की जिन्हां च ब्रादर ते उमर भी एक सी। शुरुआत च तालिबान इस्लामिक धर्म के विद्वाना की निगरानी च चलण वाला एक धार्मिक ते शांतमई अंदोलन रहा पर पाकिस्तान की ISI की शह ते यह धार्मिक ते शांत अंदोलन करन वालियां ने हथियार चुक लए। 1996 तो साल 2001 तक अफगानिस्तान च तालिबान का राज रहा। अफगानिस्तान च तालिबान का राज कायम करन दा सेहरा भी ब्रादर के सिर ते बन्निया जांदा है। कहा जाता है कि सारी रणनीति ब्रादर ने ही तैयार की थी। तालिबानी राज समय ब्रादर नूं उपरक्षा मंत्री बनाया गया ते नाल ही वह कई होर वड्डे अहुदियां ते रहा। साल 2001 च जदों अमरीका ने तालिबान कोलों ओसामा बिन लादेन की मंग की थी, ता तालिबान ने ना कर दी जिस दे सट्टे वजो अमरीका ने अफगानिस्तान च तालिबान ते हमला करता। ब्रादर ते उमर इस हमले तो बचते हुए मोटरसाइकिल ते सवार हो अफगानिस्तान के पहाड़ों वल भज गए। 8 फरवरी 2010 नूं ब्रादर नूं पाकिस्तान कराची तो गिरफ्तार कर लिया गया पर ट्रंप सरकार के दौरान अफगानिस्तान के डेलीगेट जलमे खलीलजाद ने पाकिस्तान नूं ब्रादर नूं रिहा करन लई अपील की ता जो वह कतर च होण वाली मीटिंग नूं लीड कर सके। अमरीका के कहण ते पाकिस्तान ने साल 2018 च ब्रादर नूं रिहा कर दिता जिस मगरों वह सीधा कतर की राजधानी दोहा च तालिबान के ऑफिस पहुँच गया। हालांकि अमरीका इस गल तो हमेशा मुकरदा रहा है। 2020 फरवरी च अमरीका नाल ब्रादर ने दोहा समझौता किया जिसनों ट्रंप सरकार ने अफगानिस्तान च शांति लई वड्डी सफलता मन्निया ते यह तालिबान की पहली जित भी सी पर इस मगरों तालिबान की अफगान सरकार नाल शांति नाल गल नहीं बनी ते अफगानिस्तान तो अमरीकी फौज जाण मगरों तालिबान ने हथियारों के जोर से अफगानिस्तान से मुड़ कब्जा कर लिया। 1996 तो 2001 तक अफगानिस्तान च तालिबान का राज भी ब्रादर करके ही रहा ते 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान का राज ब्रादर करके ही कायम होया ते हुण यह मन्या जा रहा है कि तालिबानी सरकार का राष्ट्रपति ब्रादर ही हो सकता है। सो दोस्तों, ये कहानी रही तालिबानी प्रमुख अब्दुल गानी ब्रादर की। तो उम्मीद करता हूं कि थानू यह जानकारी चंगी लगी होनी है। इन्फॉर्मेशन किवें लगी इस बारे अपने विचार कमेंट बॉक्स राही जरूर साझे करो और जे चंगी लगी तो वीडियो में लाइक तो शेयर करना भी ना भूल्यो और जे तुसी होर गैंगस्टर टैरोरिस्ट ते मशहूर लोगों बारे भी जानना चाहते हो तो उपर दिते आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं गगनदीप लाना हूँ थोड़े तो इजाजत ते मिलते हैं जल्दी ही किसी होर जानकारी नाल। उदों तक जुड़े रहो चैनल नाल। चैनल अपडेट्स लिए पंजाबी मूवीज़ अड्डा यूट्यूब चैनल में सबसक्राइब करो ते पहला नोटिफिकेशन लैन लई बैल आइकन ते प्रेस करो।